होंगे और मस्त होंगे। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया है, साथ में मेरी छोटी सी फ्रेंड मेरे साथ आ गई है और अब ये यहाँ से बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। हाँ जी, क्या ये क्या है हरी? व्हाट इज दिस? क्या है ये? कैटो। कैटो? किसकी कैटो है ये? कैटो। ये मेरी कैटो है। कैटो। ओके ठीक है जी। तो जी आज कितना रोजा भाई सावा जी? आज कितना रोजा है? आठवां? नौवां? ओके जी, तो आज है नौवां रोजा। ओके यार, हमें ये नहीं पता कि आज कितना रोजा है। एनीवे गाइस, कल मैंने नहीं बनाई थी वीडियो क्योंकि कल कुछ खास मेन्यू नहीं था और मैं थोड़ा रेस्ट भी करना चाह रही थी। और आज फाइनली हम लोग बनाने जा रहे हैं काठी रोल, और मैं किस तरह से बनाऊंगी डेफिनेटली आई शेयर द रेसिपी विद यू। और उसके हरी, अब मैं बोलूं? थैंक यू नाउ प्लीज क्वाइट, थैंक यू। मेन्यू में काफी ज्यादा गड़बड़ हो रही है, यानी कि जो हम लोगों ने मेन्यू बनाया था 10 दिनों का तैयार हुआ था, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस भी हुई हैं। लाइक जिस दिन जो बनाना था उस दिन नहीं बनाया गया, और कुछ इस वजह से भी चेंजेस हुई हैं कि जब हम लोग खाना बनाते थे तो उसके बाद खाया जाता नहीं था, इतना ज्यादा वो पड़ा रहता था, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ चीजें जो हैं वो निकाल दी हैं मेन्यू में से। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन में हम लोग अब एक ही आइटम बनाएंगे ताकि वो खत्म हो जाए और खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, वरना क्या होता था कि सेकेंड डे तक पड़ा रहता था। और इफ्तारी में शायद अबू आज आपको ना मिल पाए क्योंकि अबू गए हैं, फैमिली में हमारे एक अजीज है उनकी डेथ हो गई है, अबू जो हैं वो वहां पर गए हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी ये है कि अभी क्योंकि आज संडे है, तो संडे वाले दिन क्या होता है ना कि खुद घर की सफाई करनी पड़ती है, अपने अपने कमरे की हम सफाई खुद ही करते हैं। तो आज अभी तो मैं करूंगी अपने कमरे की सफाई, फिर उसके बाद मैं मैरिनेशन करूंगी जो कॉटेज चीज क्यूब्स की, और फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस चलता जाएगा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी ऐसा करते हैं कि कमरे की सफाई कर लेते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती, ठीक है ना। तो चलिए सफाई करते हैं, आप भी मेरी हेल्प करिएगा और मैं अपनी हेल्प खुद ही कर लूँगी। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये आज कम्प्लीटली हम लोग इंडियन डिश ट्राई करने लगे हैं, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी तरीके से बनाती तो फिर उसमें चिकन जरूर डालना था। तो आज हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं पनीर टिक्का काठी रोल। जो मैंने रेसिपी देखी थी इंडियन चैनल की, उसमें मस्टर्ड ऑयल मैंने देखा कि हर किसी में डाला, लेकिन यहाँ पर जो मस्टर्ड ऑयल रेसिपी देखी थी उसमें सबने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल होता है मुझे उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है कि वो खालिस होगा या नहीं, तो इसलिए मैं उसकी जगह पर यूज़ करने लगी हूँ ऑलिव ऑयल। आई होप कि ये अच्छा एक टेस्ट दे। तो मैं 2 टेबल स्पून लूँगी ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी शान का चिकन टिक्का मसाला। और वैसे अभी मेरे पास 2 पैक हैं, लेकिन अभी मैं एक ही डालूंगी और मिक्स करूंगी। जो कि मुझे कम लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, और इसमें मैं दूसरा भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था मसाला, और ये मसाला मेरे नाक में चल गया और मैं छींके भी आ रही हूँ बहुत। तो इसको अब हम लोग अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, मस्ती के साथ इसमें डालेंगे हम लोग दही। इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे इसमें, और दही अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए हम लोग दही थोड़ा और डालेंगे। हम इसमें ऐड
करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद ये मेरे पास 200 ग्राम और 200 ग्राम मतलब कि 400 ग्राम जो है वो चीज है। लास्ट में फिर डालेंगे थोड़ा सा नींबू। ओके तो काठी रोल में ये होता है कि आपको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आता है, लेकिन मैं स्मोकी फ्लेवर बिल्कुल नहीं देने वाली। और इसकी रीज़न ये है कि हो सकता है स्मोकी फ्लेवर अच्छा ना आए मेरे से और घर वालों को पसंद नहीं आए, तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा बन जाए और टाइम बहुत कम है। भाभी बनाएंगी पराठे और मैं जल्दी से जो फिलिंग है वो तैयार कर लेती हूँ। तो अभी क्या करेंगे, अभी पैन लेंगे और उसमें इसको करना है जो मैंने अभी तक देखा है। और क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ तो ऐसा तो होगा नहीं कि बीच में कोई मसला ना आए, तो थोड़ा सा कॉटेज चीज़ ऐसा था जो थोड़ा भुरभुरा सा था, तो उसके थोड़े से दाने जो है वो बीच में मिक्स हो गए। बाकी ये है कि अभी 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकाना है और फिर उसके अंदर ऐड करनी है बाकी की वेजिटेबल्स। ज़्यादा लेट हो गए थे इफ्तारी पे, यानी कि पराठे वो काठी रोल बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। काठी रोल बोलते हैं। ओके ओके थैंक यू। और मौसम बताएगा जी, मौसम का फीडबैक लेने का टाइम आ गया। मौसम जल्दी से बता दो भाई कैसा था। बस ठीक ही था। ओके मौसम को पसंद नहीं आया। पसंद तो आया कि पहले भी टाइम है, लेकिन पहले जब बनाते थे ना रोटी बाहर की होती थी दूसरी वाली। अच्छा। और फिर उसके अलावा आज शायद आपने पनीर डाली हुई थी तो इस वजह से थोड़ा वो चिकन खोर लोग जो है उनको इतना मजा नहीं आया। रुके रुके रुको रुको मैं खुद ही अपने व्यूज आज दे रही हूँ। बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत मजा आया। चिकन उसमें नहीं था लेकिन उसका टेस्ट था, चीज था वो पनीर का, तो वो बहुत मजे का मेरी बहन को भाई उस दिन पिज्जा तो पसंद नहीं आया और मौसम को गुस्सा आ रहा है। मेरी बहन ने इतनी तारीफ क्यों की है और मौसम गुजरने नहीं दे रहा। मैं हाँ और ये गुजरने नहीं दे रहा बट मौसम कोई बात नहीं। देखो उस दिन तुमने
पकड़ेगा उस दिन सामाबाजी ने। तुम ये देखो कि पिज्जा की खुल के तारीफ की थी, ठीक है, उनको नई चीज पसंद आई, उनको नहीं, उन्होंने बट मौजम ना जैसे सियासी पार्टी होती है ना, नाराज हो जाता है कि तुमने मेरी साइड क्यों नहीं ली। भाई मैंने बिल्कुल सच बोला है, उस दिन पिज्जा जरा मजे का नहीं था और आज पराठा, आज उन्होंने पता नहीं क्या बनाया है, आपको पता है काठी किसको बोलते हैं, साइकिल पे जो वो लगी होती है ना सीट, हमारी जबान में उसको काठी बोलते हैं। हाँ लेकिन ना काठी उसको बोलते हैं, काठी रोल मतलब उसको बोलते हैं, जैसे सीख के ऊपर कबाब डाल के ना तो कोयले का वो टेस्ट आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर उसको जो हमारे मुल्क में जिस जबान को बोला जाता है ना, मैंने वो एक्सप्लेन किया है, लकड़ी काठी काठी पे घोड़ा। भाई ये हमारी जो जुबान है ना, तो मेरी बात सुनो, मैं अपनी बहन को बता दूं, जो हमारी जुबान है ना, हमारे मुल्क की जुबान भी वहाँ से आई है, इसलिए वहाँ पर सबको पता होगा कि काठी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिक तो हम पीछे सब एक ही है, आगे आके सियासतदानों ने बड़ा गरा कर दिया। अरे अल्लाह मेरी बहन को गुस्सा आया आज, बड़ा खास गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि मेरी बहन बहुत अच्छा है आजकल, अल्लाह का शुक्र। और मेरा मूड भी आज बड़ा अच्छा है भाई, मेरी बहन को पसंद आया। और अभी हम चलते हैं, और यहाँ पे कहा बाजी धो रही है इफ्तारी के बर्तन। कहा भाई मैं आपकी ज्यादा शक्ल से दिखाऊंगी, आपको जो शर्म आती है ना, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कैसा लगा आपको। अच्छा लगा यार, कहा इतना माठा रही है, क्या सोचते हैं आपका। मैं ऐसे बोलती हूँ, नहीं ना सही तरह, इतना अच्छा कलर लग रहा है ना, कहा वहाँ पे येलो बहुत प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। येलो मैंगो जूस बन गई है, ये मेरी डर्टी फैलो येलो येलो। चलो जल्दी से बताओ, वो अच्छा बना था, चिकन रोल ज्यादा मजे का होता है या कॉटन चीज रोल। मैंने आपको दुविधा बिठा दिया है क्योंकि कहा बहुत बड़ी चिकन खोर है। ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, लेकिन कहा टेस्ट चेंज हुआ तो अच्छा लगा। ये अच्छा लगा मतलब कि आप खा सकती हैं, आप स्विच हो सकती हैं चिकन से या इस पर, अगर इसको मजीद अच्छा बनाया जा सके तो। ओके थैंक यू सो मच, आप इतना पास अपना फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। जब मैं मसाला बना रही थी फिलिंग के लिए तो कहा मुझे कह रही थी आंटी प्लीज अच्छा बनाना अच्छा, और मैं थोड़ी कंफ्यूज थी आज कैसा बनेगा। चीजें भी हम लोगों ने ट्राई की हैं, वो सही नहीं बनी। हाँ कब तो नई चीजों में, मैंने सिर्फ एक वही ट्राई किया था, पिज्जा ट्राई किया था, सैंडविच भी था ना, सैंडविच भी अच्छा लगा मुझे, अच्छा वैसे फर्स्ट टाइम तुमने बनाया था वो बहुत टेस्टी था, सेकंड में पता नहीं कोई शायद अंडे ज्यादा हो गए थे, ये क्या था थोड़ा सा वो लेकिन वाकई में ये चीज है कि जब आप फर्स्ट टाइम में कोई चीज ट्राई करते हैं थोड़ा मुश्किल होता है कि पता नहीं उसका टेस्ट कैसा आएगा। मुझे थोड़ा सा नमक तेज लगा था और शायद उसकी रीजन ये कि पनीर में भी बहुत ज्यादा टेस्ट, पनीर में भी बहुत ज्यादा नमक होता है, और उसके साथ साथ जो मसाला मैंने ऐड किया था उसके अंदर भी ऑलरेडी मसाले थे, बट इसके अलावा लेकिन इतना भी तेज नहीं था कि वो खाया ना जा सके, और इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा कि अच्छा नहीं है। एनीवे गाइस ये तो था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और संडे तो ऐसे ही गुजर गया है और आगे अब कुछ डिफरेंट बना तो डेफिनेटली मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग कुछ डिफरेंट बनाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो जो एक्सपेरिमेंट है वो फिर कामयाब नहीं होता, तो फिर देखेंगे भाई कि क्या बनता है। लेकिन ये कि जब हम लोग रेसिपीज देखते हैं तो ऐसे लग रहा होता है जैसे बहुत अच्छा खाना बनेगा, भाई हम तो परफेक्ट ऐसा बना सकते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, बट एनीवे ट्राई करेंगे फिर भी कि भाई अच्छा अच्छा खाना बनाते रहें। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। ये तो था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ब्लॉग्स लेकर आती हूँ। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, goodbye and don't forget to subscribe.